हालांकि कहते हैं अगर वास्तु में देखा जाए तो दक्षिण को बड़ा अटपटा मानते हैं, है ना, वास्तु के हिसाब से साउथ साउथ डरा डरा के, मगर साउथ से डरना नहीं है, साउथ में लक्ष्मी जी का भी स्थान है, ध्यान रखना। जो साउथ फेस है आपका, आपके मकान का, उसमें अगर यम है, यम का स्थान भी है ना, दक्षिण दिशा यम का, यम की भी दिशा है, लेकिन उसी दिशा में लक्ष्मी जी भी रहती हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि साहब वहां, तो साउथ के लिए बड़े बड़ी चर्चा होती है कि आपके मकान के साउथ फेस का किया जाए, क्या किया जाए। तो दूसरी दृष्टि में बताऊं, जितने दक्षिण हैं उन सबकी स्थिति देखिए, सब धनाढ्य है। आपके शहर का भी जो दक्षिण होगा, आपके शहर का भी जो दक्षिण होगा, आपके गांव का भी जो दक्षिण होगा, वो स्ट्रांग होगा। इस भारत की बात करें तो दक्षिण सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग, सबसे धनाढ्य। साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, जितने साउथ हैं आप सब देखेंगे तो स्ट्रांग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उस यम के स्थान की एक और अधिपति व लक्ष्मी जी का भी वास वही है। बस अंतर इतना है, आप उस स्थान पर वो कीजिए जिससे लक्ष्मी का वास वहां ठहरे, लक्ष्मी जी ठहरे। जैसे साउथ में आप अपनी तिजोरी रखिए, बड़ा फायदा होगा, लेकिन साउथ में अगर आप अपना डेली का पर्स या वॉलेट रखेंगे तो नुकसान होगा। स्थिर वाली वस्तु वहां रखिए,